महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो रही है। एसआरसीसी अस्पताल पहुंचे 50% बच्चों में कोरोना के गंभीर लक्षण सामने आए हैं। 4 अप्रैल से अब तक 60,000 से ज्यादा मासूम संक्रमित हो चुके हैं। राज्य कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दस साल की अल्फिया को जन्म से ही किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं। अब अल्फिया को कोरोना ने भी जकड़ लिया है। मुंबई के वर्ली के एसआरसीसी अस्पताल में इलाज करा रही अल्फिया के साथ उसकी मां नाजनीन हर वक्त रुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे काफी संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 60,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। इनमें से करीब 9,800 बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। ये समय में फरवरी मार्च में थोड़ा बढ़ता गया, लेकिन अप्रैल में हमारे नंबर्स डबल ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स है। तो 3 महीने में जो हमने देखे थे वो हम अप्रैल में और 2 गुना देख रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये काफी बीमार बच्चे हैं। लास्ट टाइम बीमार नहीं थे, थोड़ी बुखार खांसी डायरिया होता था। इस समय ऑलमोस्ट 50% को निमोनिया है, ऑक्सीजन की जरूरत है एंड 30% को वेंटिलेशन की जरूरत है। तो स्थिति काफी अलग दिखती है इस बार। इधर महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि लोग अब भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग ग्रोसरी आदि खरीदने के बहाने बेवजह घर से बाहर घूमते रहते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब आवश्यक सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी, यानी 4 घंटे में ही आपको अपनी जरूरत का सामान खरीदना होगा। इसके साथ ही सामानों की होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगी। महाराष्ट्र में अब किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, मीट शॉप, कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की दुकानें सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच ही खुलेंगी। इसके साथ ही आज महाराष्ट्र कैबिनेट ने हालात को देखते हुए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है, जिसे लेकर बुधवार शाम को सीएम ऐलान कर सकते हैं। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की